अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गुलाब जामुन, और मैं साथ साथ आपको इसके टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी ताकि ना आपके बहुत ज़्यादा हार्ड बने ना। तो सबसे पहले तो मैंने लिया था 1 लीटर काउ मिल्क। अगर तो आपके पास कोई भी बफलो मिल्क है या फिर कोई भी दूध जो कि आप यूज़ करते हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन काउ मिल्क जो है सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि इससे जो आपके खोए की क्वांटिटी है वो ज़्यादा बनती है। और इसके अलावा आपके पास कोई भी दूध है चलेगा, बस खोए की क्वांटिटी में थोड़ा सा फ़र्क आएगा। 1 लीटर दूध से मेरे पास 1 कप खोया तैयार होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस पॉइंट पर आपने इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना ताकि कहीं से भी लगे नहीं। बस इस पॉइंट पे हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, और जैसे ही ये थोड़ा सा हमारी मर्जी का थिक हो जाता है तो हम इसको बंद कर देंगे। अब ये पॉइंट आ चुका है, ये ना बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है, तो बस इस पॉइंट पे हम इसको चूल्हे को बंद कर देंगे। इस पॉइंट पे हम इसको बाउल में निकाल लेंगे और इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए 30 मिनट्स के लिए रख देंगे। और 30 मिनट बाद मैंने इसको एक ट्रे में निकाल लिया है। इसके बाद मैंने 1/4 कप मैदा लिया है, मैं मैदे के साथ बना रही हूँ, इसके साथ भी बहुत अच्छे बनते हैं। 1/4 कप मैदा ही लेना है आपको, इससे ज़्यादा ये कम नहीं लेना। तो शुरू में ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, तो आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना कि ये हाथ के साथ चिपक रहा है या बहुत ज़्यादा पतला रह गया है या अब हम इसमें मज़ीद मैदा ऐड कर दें। आपको मैदा ऐड नहीं करना, यहाँ पे आप मेरा भी देख सकते हैं, जैसे कि ये देखिए मेरे हाथों को कितना चिपक रहा है ये। तो आपने पैनिक होकर इसमें मज़ीद मैदा ऐड नहीं करना, आप इसको गूंथते जाएंगे। हाँ, मैदा आप इतना ले सकते हैं कि आप अपने हाथों को मैदे में डिप कर लें ताकि आपके हाथ मैदे से कोट हो जाएं, और आप फिर उसको दोबारा से गूंथ सकते हैं। उसमें ये होता है कि एक तो आपके हाथों से भी वो चिपकना बंद हो जाता है, और ये देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे हाथों पे ऑयल आना शुरू हो गया, तो इट मीन्स कि बिल्कुल रेडी है। मैंने तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट तक गूंधा है, कुछ लोगों को 10 मिनट भी लग सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना स्मूथ रेडी हो गया है। तो मैंने इसको एक छोटी सी लोई ली है और इसको अच्छे से मैं इसको हाथों से दबा के इसका एक राउंड सी शेप बना लूंगी गुलाब जामुन की, और ट्राई करने के लिए कि कहीं पे इस पे कोई क्रैक तो नहीं आ रहा। तो ये देखिए बिल्कुल क्रैक फ्री है। इस पॉइंट पे आप इसको ऑयल में डाल के, ऑयल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस ये देखिए जैसे मैंने इसमें डाला है तो लाइट लाइट से बबल्स बनने चाहिए। यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 22 गुलाब जामुन तैयार हुए थे। तो ये देखिए जो मैंने चेक करने के लिए डाला था ये बिल्कुल क्रैक फ्री है, यानी कि ना ही इसमें क्रैक है कोई, ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बना है। तो अब हम इसको तैयार करेंगे चाशनी। चाशनी के लिए मैंने 1.5 कप यहाँ पे चीनी ली थी और 1.5 कप ही पानी, यानी जितनी चीनी उतना पानी आप यूज़ करेंगे, और चाशनी को आपने इतना पकाना है कि ना ही उसमें तार आए और ना ही वो बहुत ज़्यादा थिक हो, अदरवाइज़ आपके गुलाब जामुन उसको सोक नहीं करेंगे, उसको अच्छे से पियेंगे नहीं। तो बस इस पॉइंट पर कि हाथ चिपचिपा हो हम बंद कर देंगे। तो यहाँ मेरे पास 22 गुलाब जामुन तैयार थे, ऑयल गर्म हो चुका है, हमने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। ये देखिए लाइट लाइट से बबल्स बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा एकदम से बबल्स नहीं बनने चाहिए, हल्के हल्के से बबल्स होने चाहिए, और 12 मिनट तकरीबन लगेंगे आपको इसको अच्छे से चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन करने तक। आप अपनी मर्जी का कलर इस पे ला सकते हैं, आपको जिस कलर का चाहिए, लेकिन याद रहे कि आपको इसमें चम्मच जो है वो चलाते रहना है, लेकिन चम्मच तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद चलाना है। दूसरी तरफ चाशनी में मैंने इलायची पाउडर ऐड किया था जस्ट टेस्ट के लिए। गुलाब जामुन में आप चम्मच चलाते रहेंगे, अदरवाइज आपके गुलाब जामुन एक साइड से ही रेड होंगे और दूसरी तरफ से वो वाइट रहेंगे, तो आपको इनको भूलना नहीं है बिल्कुल, आपको साथ साथ इनको चम्मच चलाते रहना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऐसा ऐसा ये ब्राउन हो रहे हैं, इसको 12 मिनट लगे थे मुझे फ्राई करने में ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से पक जाए, और यहाँ पे मेरे मर्जी का कलर आ गया था, मुझे ये कलर पसंद है, तो मैं इसमें, याद रहे आपकी जो चाशनी है हल्की ठंडी होनी चाहिए और गुलाब जामुन आपके बहुत गर्म होने चाहिए तभी ये सोक करेंगे। और यहाँ पे मैं अपने गुलाब जामुन जो है वो बना बना के उसमें ऐड करती रहूँगी, और आप तकरीबन इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे रेस्ट के लिए, तब जाके ये पूरी तरह से इसको सोक करेगी चाशनी गुलाब जामुन को, और उसके बाद आप इसको ठंडा या गर्म जैसे भी सर्व करना चाहते हैं। अगर आप इसी सेम रेसिपी को फॉलो करके गुलाब जामुन बनाते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है आएगी, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो आप मेरे कमेंट में पूछ सकते हैं। 1 लीटर दूध से तकरीबन 1 कप खोया मेरे पास तैयार हुआ था, और 1 कप खोए से आप तकरीबन 22 गुलाब जामुन आसानी से तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे आप फाइनल इनकी शक्ल देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और यहाँ पे मैंने कट करके भी दिखाया कि इसकी जो चाशनी है अंदर तक सोक हुई है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कितने स्मूथ बने हैं, और ये बहुत ही टेस्टी बने थे। ज़रूर ट्राई करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह।